बादलों की ओट में दिन भर छुपा रहा सूरज उमस में तपते रहे सागौड़ा के लोग। शाम होते ही चली तेज आंधी और तूफान से कच्चे घरों के केलूपोश केलू उड़े। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत कहीं कहीं पर शाम होते ही तेज गर्जना और धूल भरी आंधी के साथ बरसात होने की खबर है, लेकिन सागवाड़ा शहर में हल्की बूंदाबांदी शहरवासियों को उमस से बेहाल करती हुई नजर आई। शाम को करीब 5 बजे तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली और गर्जना के साथ बादल भी मंडराते हुए नजर आए, लेकिन हल्की बूंदाबांदी सागवाड़ा शहरवासियों को उमस में तपने के लिए मजबूर करती हुई दिखाई दी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान और बरसात होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आज भी सागवाड़ा शहर में इंद्र देव की मेहरबानी नहीं हुई। वहीं आसपास के क्षेत्र में प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज हवा और आंधी की वजह से पादरा वरसिंहपुर ग्राम पंचायत के कई गाँवों में जबरदस्त नुकसान होने की बात बताई जा रही है। वहीं चिखली डूंगरपुर आसपुर में तेज हवाओं के साथ बरसात होने की खबर है। मानसून पहुंच चुका है और उसकी आहट से हर किसी को खुशी नजर आ रही है, लेकिन अभी तक सागवाड़ा वासियों के लिए इंद्रदेव की कृपा होती हुई नजर नहीं आई। इधर तेज हवाओं की वजह से सागवाड़ा उपखंड के पादरा नवागरा गांव के कुछ कच्चे केलूपोश मकान के केलू और टीन के छज्जे उड़कर दूर जा गिरे। पादरा ग्राम पंचायत की सरपंच प्रभा परमार ने बताया कि इस आंधी और तेज हवाओं की वजह से कई कच्चे मकानों में नुकसान होने की खबर है। वहीं कई पेड़ जमीन से उखड़कर गिर गए हैं। वहीं कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी उत्पन्न हुई है। तूफान आ गया साहब, मतलब तूफान देखिए उड़ी गया पत्र वत्र सब, पूरे पत्र उड़ी गए, पूरे उड़ी गए। कर लोग नुकसान था जो होगा, नुकसान था मतलब अंदाज से कर लोग 25,000 लोगों को है। अच्छा, पूरे पत्र उड़ी गए। तुम्हारा नाम? लसवान। ग्राम पंचायत? पादरा। पादरा पंचायत। हाँ वालजी, वालजी तुम्हारे कई ग्राम पंचायत पड़े? पादरा। पादरा ग्राम पंचायत। गरीब परिवार आर्थिक सहयोग मिली जाए सरकार ने तरफ की, कोई तो बढ़िया रहे। आज अचानक एक तूफान आया, उसमें हमारे गांव में कई जगह टीन सेट जैसे मकान है उसमें केलू वो सभी उड़ गए, और कुछ जगह तो बिल्कुल मकान खुला हो गया है, तो उसको प्रशासन के कोई लाभ मिले तो दिला जाए। कोई आपने किसी से फोन किया? नहीं, अभी कोई फोन नहीं किया। अभी जिसके जो सत के पूरे पूरे पत्रे उड़ गए हैं, जो उनके लिए आप अभी क्या व्यवस्था करोगे उनके अभी वर्तमान में रहने के लिए? उनको जैसे तैसे रात तो निकालेंगे, कल व्यवस्था करेंगे जो भी करनी है। आपका पूरा नाम बताइए। प्रभा परमार, ग्राम पंचायत पादरा। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।